एवरीवन वेलकम बैक अगेन। बेटा तो कहिए कैसे हो आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 57 क्लास 10th मैथमेटिक्स की। ये वर्कशीट है, इसमें हमने पढ़ना है सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। किसके बारे में पढ़ना है बेटा, दो सॉलिड्स को कंबाइन करके जो फिगर बननी है उसके सरफेस एरिया के बारे में। ठीक है, आते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पे। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। हेमिस्फीयर के ऊपर क्या है बेटा, एक सिलेंड्रिकल टाइप वेसल है। तो इसने बोला द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का डायमीटर आपको कितना दिया हुआ है बेटा 14। तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7। तो यानी कि जो मेरे पास हेमिस्फीयर की रेडियस है वही मेरे पास किसकी रेडियस है, रेडियस ऑफ दैट सिलेंडर। तो उसके बाद उसने क्या बोला, टोटल हाइट ऑफ द वेसल यहाँ से वहां यहाँ तक, टोटल हाइट ऑफ दैट वेसल इज गिवन टू बी 7। अगर मैं बात करूँ हेमिस्फेरिकल के यहाँ से यहाँ वाले पार्ट की, तो ये कितनी है बेटा 7। तो पूरा अगर आपके पास 13 है तो 13 में से ये वाली चीज माइनस कर दूंगी तो हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगी कितने, आ गया 13 - 7 विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब मेरे को क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ दैट वेसल। वी हैव टू फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ दैट वेसल। तो इनर सरफेस एरिया की बात करूं तो क्या हो जाएगा, सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। तो ध्यान से देखना बेटा, इसके इनर यानी कि सिर्फ एक पोर्शन की बात करूं तो ये वाली जो पोर्शन होती है, ये वाली चीज क्या होती है, सी एस ए। क्या होता है, सी एस ए। अगर यहाँ से और ये वाली चीज इंक्लूड कर रही हूँ तो वो होता है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो यहाँ से देखो मैं क्या क्या चीज यूज करूंगी, मेरे को इनर इनर चाहिए, मेरे को आउटर का तो कोई रोल ही नहीं है। तो यहाँ से क्या बना, सी एस ए ऑफ सिलेंडर और प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πRh, प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2πR2। तो दोनों में से देखो पाई की वैल्यू 22/7 आपके पास है, इंटू 6 × 7, और रेडियस आपको कितनी गिवन है यहाँ से 7 × 7। वैल्यूज पुट की 22 × 44, 22 × 44, 44 दोनों में से क्या आ गया कॉमन। तो यहाँ पे देखो 7 से आपका 7 कैंसिल आउट, 1 7 से आपका 7 कैंसिल आउट, क्या बचा सिर्फ 6। और यहाँ से 2 7 थे, 1 7 से तो 1 7 कैंसिल आउट, क्या बचा सिर्फ 7। तो 6 + 7 कितना हो गया 13। 44 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 572। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्यूबिकल ब्रोक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सराउंडेड बाय अ हेमिस्फीयर। दिस इज योर क्यूबिकल बॉक्स, और इसके ऊपर क्या बनाई गई, एक हेमिस्फेरिकल टाइप टंकी बनाई गई, जैसे आप पहले बनाते थे, आपने देखा होगा मंदिर वगैरह में। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ दिस हेमिस्फीयर। तो इस जो ये टंकी बनी है या जो हेमिस्फीयर बना है, इसका सबसे ज्यादा डायमीटर कितना हो सकता है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड, इसका सरफेस एरिया निकालो। ध्यान से देखो बेटा, जब ये यहां बनी है तो ये जो टोटल साइड है ये कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास क्या होगा, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकती ना, टोटल 7 है, 7 से ज्यादा तो नहीं पॉसिबल है। तो ये कितना हो गया बेटा, ग्रेटेस्ट कितना हो सकता है 7 हो सकता है, 7 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये 7 क्या है डायमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2 यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। अब मेरे को क्या निकालना है, इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ध्यान से देखना बेटा, ये आपके पास क्यूब है, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया प्लस ये देखो ऊपर की तरफ ऐसे बना हुआ है तो ये किसका है, सी एस ए। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बाउंड्री ही तो यूज हो रही है, अंदर तो मेरा कुछ भी नहीं है ना, ये वाली चीज यूज हो रही है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। और प्लस जो ये सर्कल है, ये ऑलरेडी मैं क्यूब के अंदर इंक्लूड कर चुकी हूँ, तो जो बाउल है ये चीज आप ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड कर चुके हो। जब ये इंक्लूड हो चुकी है, इसको दो बार तो आप लोगे नहीं, तो एक ही बार लोगे, तो यहां से क्या आ जाएगा माइनस, नीचे क्या बन रहा है एक सर्कल। ठीक है, तो वो सर्कल का एरिया क्या कर दूंगी यहां से माइनस। ठीक है, तो यहां से बना 6 × h² + 2πR² - πR² 2πR² में से पाई आर स्क्वायर गया तो सिर्फ पाई आर स्क्वायर। 6 × h कितना है यहाँ पे 7, तो 6 × 7 प्लस उसका स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, 6 × 49 प्लस 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7/2 इंटू 7/2। तो इसको सोल्व करोगे तो 7 से आपका 7 कैंसिल आउट, 2 से कैंसिल आउट करके 11, तो कितना बचा 294 प्लस यहां से 77/2। जब इसको सोल्व करोगे 38.5, दोनों को प्लस किया 32.5 सेंटीमीटर। क्लियर, नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड अप ऑफ स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच ऑफ द सोलर स्फीयर एज शोन इन द फिगर। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज गिवन टू बी 10 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस इज गिवन टू बी 3.5 सेंटीमीटर, वी हैव टू फाइंड द टोटल सर्फेस एरिया। ध्यान से देखना बेटा, हाइट ऑफ द सिलेंडर यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपको कितना दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, और जो ये इसका डायामीटर सॉरी रेडियस है वो कितनी दे रखी है 3.5। तो मेरे को इसका निकालना, आप ध्यान से देखो मैंने क्या बोला, अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके अंदर ये, अगर ये सिर्फ बाउंड्री की बात करूँ, ये तो अंदर डाला हुआ है ना, अंदर क्या है हमें उससे थोड़ी मैटर, मेरे को तो क्या निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाल सकते हो, ध्यान से देखना, ये आपका
ये आपका क्या है, सिलेंडर है, ठीक है। इस सिलेंडर के अंदर जो ये चीज डली हुई है, इसका तो अलग से निकलेगा ना एरिया, तो ये जो बाउंड्री यूज हो रखी है क्या है, सिलेंड्रिकल बाउंड्री। और सिलेंड्रिकल बाउंड्री मतलब सी एस से, तो कितना आ गया यहाँ से, सी एस से ऑफ सिलेंडर प्लस, ये देखो हेमिस्फेयर, एक हेमिस्फेयर, दो हेमिस्फेयर, दो हेमिस्फेयर आपके सेम टाइप के हैं, तो क्या हो जाएगा, टू इंटू सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, तो कितना आ गया, टू इंटू पाई इंटू 3.5 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 2 इंटू पाई इंटू 3.5 इंटू 3.5, पाई की वैल्यू बाद में पुट कर सकते हो, तो यहां से देखो कितना आ गया, 3.5 बाय 10, 10 से 10 कैंसिल आउट, 35 इंटू 2 70, ठीक है। इन सेम वे यहां से क्या आ गया, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 जा 4 बाई में 10, बाई में 10, तो यहां से देखो कैंसिल आउट होके 2 5 जा 2 5 जा, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना बन गया, 49 पाई, ये आपका 70 पाई, तो कितना आ गया, 119 पाई, और इसकी वैल्यू क्या थी, 22 बाय 7, कैंसिल आउट करके कितना आ गया, 374 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सर्फेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड्स। दो क्यूब्स हैं जिनकी वॉल्यूम आपको गिवन है, ध्यान से देखना बेटा कौन से क्यूब्स हैं, ये क्यूब्स हैं, इनकी वॉल्यूम आपको गिवन है, ठीक है। इनकी वॉल्यूम का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब इज 64 सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम होती क्या है बेटा क्यूब की, ए क्यूब, ठीक है, साइड का क्यूब इज इक्वल टू 64, इसका क्यूब रूट निकालूंगी तो मेरे पास साइड आ जाएगी, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, क्यूब रूट ऑफ 64, 64 का क्यूब रूट करूंगी तो कितना आ गया, 4 सेंटी मीटर। आफ्टर दैट वो कह रहा है इन दोनों क्यूब्स को क्या किया, ज्वाइन कर दिया एंड टू एंड। जब मैं इनको ज्वाइन करूंगी तो कुछ ऐसी फिगर बनेगी, जब ऐसी फिगर बनेगी तो बेटा ध्यान से देखना, ये भी 4, ये भी 4, ये आपका 4, ये आपकी 4, ठीक है। अब ध्यान से देखा किस चीज में चेंज आया, ये कितना बन गया, 4 प्लस 4 8, यानी कि ब्रेथ आपकी कितनी हो गई, 8, सिर्फ ये वाली चीज चेंज हुई है, लेंथ आपकी 4 और आपकी हाइट भी आपकी 4 और लेंथ भी आपकी 4, ठीक है। तो ये क्या बन गया, क्यूबॉइड। मेरे को क्या निकालना है, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया वो क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट की तो इसकी वैल्यू 4, बी की वैल्यू 8 प्लस 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4, तो 8 4 जो 32, 8 4 जो 32, 32 प्लस 32 प्लस 16, तो 32 प्लस 32 64, 64 प्लस 16 80, 80 इंटू 2 160। क्लियर। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन द फिगर। ये फिगर आपको दी हुई है, कुछ कुछ आपका जो आपने एग्जाम्पल नंबर 2 किया था बिल्कुल ऐसा ही है, ध्यान से देखना, लेकिन फर्क सिर्फ कितना है, इसका डायामीटर दे दिया, इसका डायामीटर कितना आ गया, 4.2 सेंटीमीटर। तो यहां से क्या निकालोगे, रेडियस, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 42 बाय 20, डेसिमल रिमूव किया, बाय में 10 और रेडियस के लिए 2, ठीक है। वही सेम क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एरिया निकालोगे तो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। तो सी एस ए ऑफ क्यूब क्या होता है, 6 इंटू a² प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, 2 पाई r² और माइनस पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई r² में से जब पाई आर स्क्वायर माइनस करोगे तो क्या बचा, सिर्फ पाई आर स्क्वायर। साइड आपको कितनी दे रखी है, 5 का स्क्वायर, तो कितना बचा, 6 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। पाई की वैल्यू 22 बाई 7 इंटू 42 बाई 20 इंटू 42 बाई 20, जब इसको सोल्व करोगे तो 7 6 जा, ठीक है, यहां से 2 10 जा 2 11 जा 2 10 जा 2 3 जा, मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 40 11 3 जा 33, 33 इंटू 42 1386, 1386 को किससे डिवाइड कर दिया, 100 से, तो डेसिमल लग जाएगा, कितना आ गया, ये 5 5 जा 25 25 6 जा 150, दोनों को प्लस किया, आंसर कितना आ गया, 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, मयंक मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ दिस, ठीक है। आपको यहाँ पे हाइट कितनी दे रखी है, 1.45 मीटर, और जो इसकी रेडियस है वो कितनी दे रखी है, 30 मीटर। तो सबसे पहले फॉर्मूला बनाओगे, फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ इज गिवन टू बी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो अभी आपने यहाँ पे किया था उसमें से देखो ध्यान से क्या, लेकिन वहां पे दो हेमिस्फीयर थे, यहाँ पे एक हेमिस्फीयर है, तो कितना हो जाएगा, सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर होता क्या बेटा, 2 पाई r h, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई r², तो दोनों में से 2 पाई r कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, देखो 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू 30। अब ये 145 कहाँ से आया, देखो बेटा ये जो हाइट है ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में, तो इसको मैंने चेंज कर लिया किस में, सेंटीमीटर में, इसको सेंटीमीटर में चेंज करूंगी तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100, और जब इसका डेसिमल रिमूव करूंगी तो बाय में 100, 100 से 100 कैंसिल आउट, क्या बचा, 145 सेंटीमीटर
लीटर, ठीक है। 145 प्लस 30 कितना बना, 175, 7 से कैंसिल किया 25, जब इनको मल्टीप्लाई किया तो कितना बनता है, 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 57, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।